हेलो फ्रेंड्स, सी अश्वनी पुरोहित। आज हमारे साथ स्पेशल फैकल्टी फॉर एमएस एक्सेल जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है मिसेस कविता नवलानी मैम, जिनको मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैम टिल नाउ 10,000 स्टूडेंट्स से ज्यादा को पढ़ा चुके हैं, चाहे वो सीए फील्ड के हो, चाहे सीएस फील्ड के हो, चाहे सीएमए हो, चाहे एमबीए हो, चाहे एमसीए। मेरा मतलब कहने का है शायद ही कोई ऐसी डिग्री बची होगी जिसमें मैम ने स्टूडेंट्स का मैम का कुछ रोल ना रहा हो स्टूडेंट्स के लिए, ऐसी शायद कोई फील्ड बची होगी। इंदौर का रिनाउंड यूनिवर्सिटी डीएवी भी मैम पढ़ा चुके हैं, मैम रेनेसा में पढ़ा चुके हैं, सारे मतलब काफी रिनाउंड कॉलेजेस में मैम पढ़ा चुके हैं। मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, आपने बच्चों के लिए टाइम दिया, जो बच्चे इतने दिन से क्वेरीज पूछ रहे थे कॉन्फ्रेंसा में, जो आपका कोर्स है एमएस एक्सेल का उस चीज के लिए। तो आपको वेरी वेरी वार्म वेलकम ओवर हियर टू एड्रेस अवर स्टूडेंट्स क्वेरीज। तो मैम को मैं हैंड ओवर करता हूँ। मैम थैंक्स। थैंक यू सो मच अश्विन, एंड थैंक्स आपने मुझे यहाँ पर confrenza.in में आपने मुझे जो है मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया है। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फर्स्ट मैं आपको छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। अश्विन, आप मेरा नाम बता चुके हैं, मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताती हूँ। मैंने एमएससी आईटी कंप्लीट किया हुआ है, और उसके पहले मैं एमकॉम थी। देन आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद मैंने एज अ काफ़ी सारी लैंग्वेजेस करने के बाद मैंने एज अ वेब डेवलपर गेट 6 में ज्वाइन किया था। बट सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम करते हुए मुझे अपना जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। देन आई फील कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू गिव द ट्रेनिंग्स। देन आई ज्वाइंड एज अ ट्रेनर इन इंदौर एरिया, एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ कॉरपोरेट ट्रेनर इन इंदौर एरिया। मैं सो मेनी कॉरपोरेट्स को काफी सारे कॉर्पोरेट्स में काम करती हूँ। जैसे मैंने इंदौर में यश टेक्नोलॉजी में काफी सारी ट्रेनिंग्स दी हुई हैं, जो जश टेक्नोलॉजी है, जश इंजीनियरिंग एंड टूल्स है, प्रीतमपुर एरियाज में मैंने वहां पर भी ट्रेनिंग दी हुई है। मैं इंदौर IMA में भी एसोसिएट हूँ, दैट इज इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो काफी सारे रिनाउंड फैकल्टीज जो है वहां पर जुड़े हुए हैं, मैं भी उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। अब अश्विन, आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करती हूँ, दैट इज रिगार्डिंग एमएस एक्सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू कि आई एम ऑल्सो द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलाइज सर्टिफाइड इन एमएस एक्सेल 2016। मैंने एमएस एक्सेल 2016 एक्सपर्ट की एग्जाम क्लियर की हुई है, और currently I am giving the MS Excel training to the different corporates. Now the first thing is that student inquire what is MS Excel and what is the need to learn the MS Excel. ये एक बहुत बड़ा basic question है student के मन में कि MS Excel सीखने से फायदा क्या होगा और हम क्यों सीखें। तो मैं जैसे कुछ को queries थी मेरे पास students की, बोलिए बहुत सारे queries था। MS Excel क्यों, why MS Excel? जैसे आपका course है, आप बोलते हैं कि बेसिक टू एडवांस मैं पूरा कवर करके रखती हूँ, तो थोड़ा सा आप बताइए कि आपका कोर्स है क्या एक्चुअली, मतलब एमएस एक्सेल क्यों, व्हाई एमएस एक्सेल? देखिए अश्विन, क्वेश्चन का, आपके क्वेश्चन का आंसर देने के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है कि आप अगर आपको आपके फ्रेंड का एक नंबर सेव करना है तो उस नंबर को सेव करने के लिए आप क्या करते हैं अभी? क्या आप पेपर पेंसिल उठाते हैं क्या? नहीं मैम, मोबाइल में सेव करता हूँ, अगर कभी हिसाब किताब हुआ तो MS Excel में अपना शीट बना लेते हैं या मोबाइल पे कुछ ना कुछ डायरी कर लेते हैं। तो ठीक है अश्विन, देखे आज हमारे पास हमें डेटा सेव करने की जरूरत पड़ती है, तो जब भी हम डेटा को सेव करना चाहते हैं सो वी नीड अ वन टूल, हमें किसी ना किसी टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो जब हम MS Office इंस्टॉल करते हैं तो MS Office के साथ हमें MS Excel मिल जाता है। अब बात ये आती है कि अगर हम MS Excel में डेटा ना सेव करेंगे तो कहाँ सेव करेंगे? तो क्या आप MS Word में डेटा सेव कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वंस यू सेव द डेटा इन MS Word ना, देन यू कैन नॉट एनालिसिस दैट काइंड ऑफ डेटा। अगर एक बार आपने MS Word में डेटा सेव कर लिया तो आप MS Word में आप डेटा को एनालिसिस नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऐसा कोई टूल होना चाहिए जिसमें हम डेटा सेव करने के साथ साथ उसमें डेटा की एनालिसिस भी कर पाए और रिपोर्ट प्रेजेंटेशन भी कर पाए, इजंट इट? मैम कौन से स्टूडेंट्स में यूज कर सकते हैं? मैंने तो बता चुका हूँ आप इतने सीए सीएमए इनको कर चुके हैं, थोड़ा सा आप एक एग्जांपल के साथ बता सकते हैं कि सीए सीएमए इस एमएस एक्सेल को कैसे यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में? ठीक है अश्विन, आई हर्ड यू आर सीए, राइट? सीए अश्विन, आपने अपने इंट्रोडक्शन में दिया था कि आप सीए अश्विन पुरोहित हैं। तो देखें, एक सीए के लिए एमएस एक्सेल से अच्छा टूल कोई हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि सीए जो होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, वो ऑडिट करता है। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना या डेटा एनालिसिस करना। अब उसको डेटा एनालिसिस करना है तो उसको एमएस एक्सेल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और अगर एमएस एक्सेल वो नहीं सीखता है तो फिर वो डेटा एनालिसिस को करेगा कैसे? फिर या तो वो कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर यूज करे, जैसे कि हम लोग टैक्स रिटर्न के लिए जो कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसी तरह से अगर हमें कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। सो नॉट फॉर द स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्सेल किसी एक पर्पस को सॉल्व नहीं करता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई एमबीए स्टूडेंट है जो मार्केटिंग वाला बंदा है, अब वो किसी भी चीज की मार्केटिंग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो इंश्योरेंस सेल कर रहा है, ठीक है, वो लाइफ इंश्योरेंस सेल कर रहा है। अब वो जब लाइफ इंश्योरेंस सेल करता है तो उसको भी अपने डायरेक्टर को या अपने बॉस को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी रहती है कि उसने कौन कौन से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज किस किस को सेल किए और वो पर्टिकुलर किस एज के बंदे थे, तो उसके लिए भी उसको एक डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। सो फॉर ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग डेटा एनालिसिस के लिए एमएस एक्सेल एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल में डेटा एनालिसिस करने के साथ आप रिपोर्ट वे में प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। मैं मैंने तो ये भी देखा कि फॉरेंसिक ऑडिट हो रहे हैं जो आजकल, वो एमएस एक्सेल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है उसमें, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा उसमें यूज कर रहे हैं। फॉरेंसिक ऑडिट इज ऑल अबाउट द एनालिसिस। देखिए मैं फिर फॉरेंसिक ऑडिट की, आपने फॉरेंसिक ऑडिट का बात किया है तो मैं फिर आपको बताती हूँ कि जब भी आपको फॉरेंसिक ऑडिट करना, जहां पर भी आपको कहीं पर भी किसी डेटा में आपको फ्रॉड का जो है कहीं ना कहीं डाउट होता है, जैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है, तो जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है तो जितने भी आपके व्हाट्सएप चैट हैं, जितने भी आपके फेसबुक मैसेजेस हैं, उसमें डेटा एनालिसिस किया जाता है। तो फिर डेटा एनालिसिस की बात आ जाती है अश्विन, तो डेटा एनालिसिस के लिए आपको एक्सेल तो लगेगा ही, बिना एक्सेल के आप डेटा एनालिसिस कर ही नहीं सकते, फिर नहीं तो आप अपने खुद के स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर में जाइए जो काफी कॉस्टली। एक और मैंने केस प्रैक्टिकल देखा हुआ था, अपना शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली मेरे घर में कोई पुलिस वाले हैं, तो आई हर्ड कि जब भी कोई पुलिस केस होते हैं तो नेटवर्क से सीडीआर डेटा निकाला जाता है मोबाइल्स का, एक नेटवर्क का, कि इस टाइम पे कितने मोबाइल्स एक्टिव थे इस पे। तो उसमें भी मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, वो मेरे रिलेटिव ने बताया था कि उसमें एमएस एक्सेल का हम बहुत यूज करते हैं। एमएस एक्सेल हमारी चीजों को बहुत ईजी कर देता है। एब्सोल्युटली राइट अश्विन, देखें आप जिस पुलिस वाले की बात कर रहे हैं, जिन काइंड के डेटा की बात कर रहे हैं, वो लोग अपने डेटास को अपने खुद के ERPs में सेव करते हैं। तो आज आपका कोई भी ERP सॉफ्टवेयर होगा, जब आप उसमें से डेटा निकालते हो तो हर ERP सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल को ही सपोर्ट करता है, तो वो जो डेटा आपका निकलता है उसमें से वो एक्सेल में निकलता है। अब उस एक्सेल में निकल गया तो इसका मतलब है आपको डेटा एनालिसिस एक्सेल में ही करना पड़ेगा। तो फॉर दैट यू नीड टू लर्न द एमएस एक्सेल, और एमएस एक्सेल नॉट ओनली द बेसिक्स, एडवांस तक आपको जाके उसको सीखना पड़ेगा ताकि आप अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट कर पाए। जो आपका कोर्स है, जो कॉन्फ्रेंस पे हम लिस्ट किया हुआ है, तो मैम वो बेसिक्स टू एडवांस सब कुछ कवर करता है? या बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको जीरो से करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको इस confluenza.in पे जो मैं अपना कोर्स लेकर आई हूँ उसमें मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल एज अ बिगनर ट्रीट करूंगी कि आपको कुछ नहीं आता है। तो डेटा एडिटिंग से लेके डेटा एंटर से लेके, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ आपसे कि आप जीरो टू हीरो कर रहे हैं। या श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल मैं आपको जीरो से हीरो कर रही हूँ। ओके, मेरे को तो कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, सारे हमारे स्टूडेंट्स हो जाएं तो और बहुत अच्छी चीज होगी। तो मैम एक चीज बताइए, आपके कोर्स में ऐसा यूनिक क्या है कि मार्केट में और भी कोर्सेज हैं, तो आपके कोर्स में यूनिक क्या है जो बच्चे सोचे? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अश्विन, आई एम ऑल्सो द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलाइज सर्टिफाइड इन एमएस एक्सेल। मैं खुद एमएस एक्सेल में सर्टिफाइड हूँ, तो मैं मेरे कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन भी करवाऊंगी, और आपको कहीं पे भी अगर कहीं पे भी कुछ क्वेरी आती है तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी। मैं आपको एक अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी जिस पे आप मुझसे डायरेक्टली क्वेरीज आस्क कर सकते हैं, और विद इन आवर्स मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी, और इसके साथ साथ मैं आपको सर्टिफिकेशन के लिए भी गाइड करूंगी। वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आजकल मार्केट में तो मैं देखता हूँ लोग अपना कोर्स बेच के निकल जाते हैं और आपको कोई अता पता नहीं है कि भैया है कौन सा। और मैम एक जो एक और चीज जो होता है कि एक्सेल में अपडेट्स आते हैं हर साल, कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है, कुछ फीचर्स में अपडेट आते हैं, तो वो आप अपडेट कैसे, अगर बच्चों को अपडेट लेना है, अगर बच्चे ने कोर्स ले लिया है तो क्या वो अपडेट के आप एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, एक्स्ट्रा फीस लेंगे? नहीं, आपको न्यू कोर्स लेना है, या जिसने एक बार कोर्स ले लिया तो उसको अपडेट आप देते रहेंगे? नहीं, एक बार वंस यू पेड द फीस तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, बस आपको कॉन्फ्रेंसा से जुड़े रहना है,
और इसके साथ साथ आपको देखे मैं आपको एक्सेल में कस्टमाइजेशन भी सिखाने वाली हूँ। कस्टमाइजेशन का मतलब है कि एक्सेल को आप अपने हिसाब से भी उसको जो है आपको जो काम है उसमें उसके हिसाब से आप अपने फंक्शंस डेवलप कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज वीबी एप्लीकेशंस। मैं वहां पर आपको विजुअल बेसिक की कोडिंग भी सिखाने वाली हूँ। सो ये यूनिक फीचर रहेगा आपका। बीबीए की जो कोडिंग होती है उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आप एक्सेल में अगर आपके खुद के फंक्शंस बिल्ड करना चाहते हैं तो आप अपने खुद के फंक्शंस बना सकते हैं। ये आपका बहुत बड़ा फायदा है एक्सेल। एग्जांपल दे सकती हूँ उन फंक्शंस के? हाँ श्योर, मैं दे सकती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आप जब आईटी रिटर्न भरते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। अब आप बार बार इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए आपको बार बार अपना एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है। पर आपको बार बार एक फॉर्मूला ना बना के एक बार आप अपना फंक्शन बनाकर उसको लाइब्रेरी में ऐड कर लीजिए तो सिर्फ आपको अपना फंक्शन यूज करना है, आपको बार बार बनाना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कितने भी लोगों का आप फंक्शन यूज कर सॉफ्टवेयर बना दिया मैम बीबीएस, या बच्चों को सॉफ्टवेयर बनाना भी सिखा दिया? जी हाँ, मैं आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी बनाना सिखा रही हूँ एक्सेल में। सो दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ माय एमएस एक्सेल, एडवांस एमएस एक्सेल। ये आपको मेरा कोर्स लेने से मैम, ये तो बहुत अच्छा है। अगर मैं भी आर्टिकलशिप में होता, सीए नहीं होता, तो मैं जरूर आपसे ये चीज तो मैं सीखता। खैर अभी भी मेरे को जरूरत होगी, मैं जरूर आपसे ये बीबीए तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज कि आर्टिकलशिप में मैं था। मैं सच बताऊं तो मुझे तो एमएस एक्सेल नहीं आता था, एक बेसिक नॉर्मल आता था। बट एक जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है तो उसमें आप टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एमएस एक्सेल में मैंने ये चीज फील किया है कि एमएस एक्सेल में आप जो काम करना चाहें अगर आपको नॉलेज हो तो आप विद इन अ सेकंड्स जैसे वी लुकअप कमांड लगा दिया, फिल्टर लगा दिया, कुछ कर दिया, फटाफट फटाफट चीजें हो जाती। मुझे नहीं आता था इतना अच्छे से, तो मुझे टाइम लगता था, मैं सीखता था। अगर ऐसा कोर्स जैसे अगर मैं समझता हूँ अगर कोई आर्टिकलशिप में या सीए बन चुका है या सीएमए बन चुका है, आप अपनी जॉब लाइफ में भी है ना इसमें भी एमएस एक्सेल यूज कर सकते हैं, इतना ये मेरा ओपिनियन है। थोड़ा सा आप इस चीज को एलोबरेट कर सकते हैं कि एक जो आर्टिकलशिप में स्टूडेंट कैसे यूज कर सकता है और एक सीए सीएमए जो जॉब में प्रैक्टिकल, तो वहां एक यूज कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफिंग इस पे कर दें आप। तो देखें आप आर्टिकलशिप में और आप आफ्टर बिकमिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं या आफ्टर बिकमिंग द कॉस्ट अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, काम तो आपके पास वही रहता है। तो आपको बेसिकली एक्सेल वहां क्या काम करता है, जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो क्लाइंट्स आपको अपना डेटा प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, आपको क्लाइंट का बैलेंस शीट बनाना है, क्लाइंट तो क्या करेगा आपको अपनी पासबुक ला के दे देगा, आपको सारे जो है उसके डेटा ला के दे देगा, लेकिन वही डेटा आपको डिजिटल फॉर्मेट में फीड करके आपको पीएनएल बनाना है और पीएनएल से आपको बैलेंस शीट जनरेट करनी है। तो ये आपको एक्सेल हेल्प करता है। और उसके बाद आपको उसका आईटीआर बनाना है, उसका इनकम टैक्स रिटर्न जनरेट करना है, तो उसके लिए आपको एक्सेल का यूज करना पड़ता है। अगर आप एक्सेल नहीं यूज करते हैं तो फिर आपको जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको खुद के ईआरपी सॉफ्टवेयर में जाना पड़ता है। ये आपको एक्सेल बहुत बड़ी हेल्प करता है वाइल वर्किंग, नॉट ओनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हो या वो मार्केटिंग वाला बंदा हो, किसी भी टाइप के एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको एमएस एक्सेल की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब है कि मैंने पीएनएल बनाया और बीबीए के थ्रू अपने आप टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। यस यस यस, आप मैक्रोस बना सकते हैं, मैक्रो मतलब आप बीबीए कोडिंग सीख सकते हैं और बीबीए की कोडिंग करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसकी बैलेंस शीट जनरेट कर लेगा। सो दैट इज द मेन एडवांटेज। और जो आपने क्लासेस में आपने पढ़ाया, तो जो आपकी क्लासेस में बच्चों को उसके नोट्स जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो आपने पढ़ाया है, तो उसकी कॉपी मिल पाएगी पीडीएफ फॉर्म में? जी हाँ जी हाँ, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मेरी जो है मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, साथ साथ में मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करूंगी। जिस असाइनमेंट में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, तकलीफ आती है, तो जैसे मैंने बताया आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप confluenza.in के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। वंडरफुल, ये तो मैम बहुत अच्छी बात हुई। मैम ये कोर्स करेंगे आपसे तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा? क्योंकि क्या होता है कि हम अगर सर्टिफिकेट एक अपने रिज्यूमे या सीवी में लगाएं तो उसका एड इन होता है, तो क्या आप कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे? देखें इसके लिए हम आपको confluenza.in से सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, जो एक ड्यूली साइंड होगा। इसके साथ जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलाइज की एक्सेल की तैयारी भी आपको इसके साथ मिलेगी। अब उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की एग्जाम दे देंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आप confluenza पे अगर आप सिंपल एक्सेल का कोर्स भी कर लेते तो confluenza.in से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा प्रॉपरली साइंड जो होगा डिजिटल फॉर्मेट। अगर सपोज मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे कोर्स करने आया, मैंने कोर्स में आपसे जो पूरी क्लासेस पढ़ी उसके बाद मैं चाहता हूँ
कि जितना भी मैंने कोर्स में सीखा, मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिले, ऐसा कोई टास्क मिले, जितना भी ए टू जेड मैंने शुरू से आखिर तक सीखा वो मेरा प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट में सारा इम्प्लीमेंट हो, यूज हो, तो ऐसा कुछ आपने प्लान किया अपने कोर्स में? हाँ, एट द एंड ऑफ द कोर्स जब आप कोर्स खत्म कर देंगे तो आपको वो असाइनमेंट उसमें मिलेगा, वो कोर्स के साथ अटैच है, आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स मटेरियल आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। व्हेन यू परचेज द कोर्स, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप कोर्स के साथ वो मटेरियल भी आपको मिलेगा, वो डायरेक्टली आप असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसमें डाउट आए बच्चों को प्रोजेक्ट में, फिर सेम थिंग जैसे कि मैंने बताया कि आप मेरे से व्हाट्सएप पे क्वेरी करिए, मैं आपको प्रोजेक्ट में हेल्प करूंगी और मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी। मीन्स लगता है सारी क्वेरीज मेरी खत्म हो चुकी हैं बच्चों की जितनी भी आई थी, तो इस चीज को मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना टाइम दिया बच्चों के लिए और इतना आप आगे आए हैं बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कि आप हमेशा उनके डाउट सॉल्व करते रहेंगे। आपने परचेस किया, वैलिडिटी भी खत्म होगा तो भी आप मैम बच्चों के डाउट सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इतनी कम कॉस्टिंग में हम चीजें सीखते जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे एक्सपीरियंस और सर्टिफाइड MSExcel हमको सिखा रहे स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स आपको अगर अच्छे से सीखना है, हर एक चीज सीखनी है, तो आप जरूर एक बार ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा, आपको हर एक चीज अच्छे से सीखने को मिलेगी। थैंक्स मैम, थैंक्स वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अश्विन, थैंक यू सो मच। ओके।